Amid the Gyanvapi mosque showdown, Samajwadi Party leader Lal Bihari Yadav has triggered a controversy. The Neta has hit out, or rather inflamed Hindu beliefs by calling the claimed Gyanvapi Shivling nothing but a piece of stone. The Samajwadi Party Neta's crude Patthar Shivling analogy has stoked a new storm. Lal Bihari Yadav is not the only one who has insulted the claimed Shivling. Earlier, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav had said, in Hindus, wherever there is a stone and a flag, there's a temple. Owaisi had clearly dismissed the Shivling claim, calling it a fountain. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot also claimed that the Shivling was, in fact, this claim that this is a Shivling was a drama by the BJP to incite communal hatred. TMC's Mahua Moitra, while taking a dig at the Shivling, had tweeted a picture of Bhabha Atomic Center, saying hopefully the center won't start digging it as well. देखिए शिवलिंग एक पत्थर का टुकड़ा है. जैसे पत्थर का टुकड़ा चलता है उत्तराखंड से, तो वह नदियों में बहते 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 वह चिकना हो जाता है, वह कभी छोटा हो जाता है और चिकना हो जाता है. तो हमारे लोग उसी को पिंडी बना करके, उसी को विभिन्न प्रकार के देवताओं का नाम दे करके उसकी पूजा कराते हैं, जबकि वह तो है पत्थर. उसमें कोई जो है शिवलिंग की जो बात करने वाला, उससे मैं जानना चाहता हूं कि शिवलिंग को पहचानता है. What the opposition leaders had said while taking a dig at Gyanvapi's claim Shivling. एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां लगती हुई थी. बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है. 1991 का एक्ट है, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगा. मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया, उसमें भी कहा गया कि ये और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा रही कि जिसकी जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई. और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है, उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर. और 400 साल से उस वजू को, उस फवारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ. और अगर ये फवारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है, तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा. ताजमहल के सामने भी फवारे लगे हैं.